बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं अर्शद चीमा। चंद दिन पहले या दो हफ्ते, हफ्ता 15 दिन की बात है कि उससे पहले हम एक दफ़ा मैंने आपको थोड़ा तारफ करवाया था कि एक दवाई मैं लेके आया हूं बाज़ार से, और वो जड़ी बूटियों को तलफ करती है, घास को तलफ करती है, दायमी घास को, पुराने घास को तलफ करती है। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको, वो बॉटल जिस टाइम स्प्रे किया था ना मैंने, उससे भी ये सारा फार्मूला आपको दिखाया था, ग्लासीफाइड के नाम से ये दवाई है। ठीक है जी, बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट निकला। तो वो रिजल्ट मैं दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा याद दिलाने करवा रहा हूँ कि वो जो मैंने उस टाइम स्प्रे किया था, स्प्रे से पहले जो घास की कंडीशन थी वो भी दिखाई थी। तो आज चूँकि 10-15 दिन हो गए उसको स्प्रे किए हुए, अगर उसका देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पे जाके या बॉक्स में जाके ये सारा कुछ आप देख सकते हैं कि उसके उस टाइम घास की क्या पोजीशन थी। और आज आफ्टर स्प्रे 10-15 डेज या 20 डेज की बात कर सकते हैं आप, तो उसको दवाई ने कितना असर किया है। और यकीन करें कि इतना इफेक्टेड किस्म का ये दवाई निकली है, वो दायमी घास था, पुराना दब दब टाइप घास थी, वो मरती नहीं है, जब जड़ से वो खेड़ते उसको, लेकिन इस दवाई ने उसको जला के रख दी है। अभी मैं अगर अपने कैमरे मैन को दिखाऊंगा कि वो सारा एरिया वो दिखाए, जहाँ मैंने उस टाइम स्प्रे किया था, स्प्रे भी आपको दिखाया था, एरिया को भी दिखाया था, घास की कंडीशन दिखाई थी। ठीक है जी, सारी सूरत हाल उस टाइम की जो है वो सारी की सारी वहाँ से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। लेकिन अभी चूँकि मकसद ये था कि आपको वो उसका रिजल्ट दिखाना मकसद था, उस दवाई का और उसका स्प्रे का, और जो हमने काम किया कि आप देखो घास को अगर मारना है तो वो उसको घास को काट काट कर ही मरेगा, उसको ये केमिकल ये जो दवाई है ग्लासीफाइड के नाम से, ग्लाइसोसेट इसके नाम, इस तरह की इसका नाम है, ये फॉरन क्योंकि दवाई है ये। तो इसको आप कैमरा मैन अगर दिखाए मेरा ये सारा वो एरिया, एरिया दिखाए यहाँ से लेके वहाँ तक दीवार तक दिखाते जाओ, सारा एरिया दिखाए आपको। और ये देखें कि जब घास का उसने जब सत्यना से रख दिया दब का, ये वो दब है जो मरती नहीं है। क्या आपने ये वीडियो घास की क्लोज भी दिखाया आपको, वो जला हुआ दिखाया, उसका रंगत देखिए आप। ठीक है जी, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ तेजाब फेंका है इसके ऊपर, और इतने इफेक्टेड है ये दवाई, इसको घास को, पुराने घास को या जड़ी बूटियां हैं या मतलब फसलों के जो बने बने होते हैं उसके ऊपर जो घास उगा होता है, ठीक है जी, उसको मारने के लिए बहुत इफेक्टेड दवाई है ये। और इनको इस्तेमाल करें आप, काफ़ी बंदे की मेहनत बचती है, टाइम बचता है, चीज तो बार मतलब पैसे तो लग जाते हैं, लेकिन ये कि वो जो जमींदार को परेशानी होती है कि ना ये घास कैसे मारे, और बाद तो जनाब उन पन्निया से चलना मुश्किल हो जाता है, इतना घास हो जाता है। तो अगर एक दफा इसको स्प्रे कर दे तो ये इंशाल्लाह उसको जड़ से खत्म कर देता है, तो करना भी चाहिए। तो इंशाल्लाह अभी ये सारा जो प्रोग्रेस प्रोसेस था वो देखा आपने, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अभी एक दवाई और भी हमें लेके आया, वो भी दिखाएंगे आपको, वो मैंने स्प्रे किया, वो ज्यादा इफेक्टेड है। वो ये कहता है दवाई वाला, ये कहता है मैन्युफैक्चरर, ये कहता है या सेल वाला, ये कहता है कि जनाब ये इसको आप स्प्रे करें आप, और सुबह करेंगे तो शाम तक आपको उसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा। कैसा? वो इस तरह के जनाब स्प्रे के फौरन बाद वो जो ऊपर वाला हिस्सा जो ग्रीनिश टाइप है सब्ज का, वो जनाब शाम तक उसको भुसम कर देगा, उसको उसकी रंग भी चेंज कर देगा, और रगा मसला उसकी जड़ से ख़त्म करना। इसके तो मैंने दो दवाइयाँ मिक्स की हुई हैं, ठीक है, राउंड अप मिक्स किया है, एक और दवाई मिक्स की है। राउंड अप का काम कमाल यह है कि वो जड़ से उसको ख़त्म कर देता है, और दूसरी दवाई यह है कि वो जब ऊपर तक उसको ऊपर ऊपर से उसको ख़त्म करता है। तो आइए हम, मुझे नेक्स्ट दवाई मैं लेके आया हूँ,
वो भी आप दिखाते हैं आप। चलो चले, ये देखें जनाब, ये यहाँ भी बहुत ऊंची ऊंचे ये पौधे थे, घास है, ठीक है, दाइमी भी है, दूसरी भी है, जड़ी बूटियाँ भी है। ये जड़ी बूटी जिस तरह नजर आ रही हैं आपको, ये दूध शतूत का दरख्त है, उसके नीचे जो उगी हुई ये बूटियाँ, ये देखें, ये इस तरह की यहाँ भी थी, इनके ऊपर मैंने इसको स्प्रे किया है। आज 4-5 दिन हो गए हैं, दूसरे दिन ही जनाब उसने उस ऊपर वाला हिस्सा सारे का सारा उसका जला दिया है। आप ये देखें इसका असर, दवाई का असर ये नीचे तक चला गया, ये देखें। और फिर ये है कि वो जो बड़े बूटे होते हैं ना, बड़ी जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनके ऊपर ऊपर स्प्रे होकर जब करते हैं तो नीचे तक उसका असर जाता नहीं है। तो वो कंपनी ये कहती है जनाब कि इसके ऊपर हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दें, पानी का स्प्रे करें पानी का, ताकि वो दवाई जो चढ़ जो पत्तों के ऊपर ऊपर है वो गीली होकर जब तनों के साथ होती हुई नीचे तक उस जड़ तक उसकी पहुँचे, तो स्प्रिंकल करने की जरूरत नहीं पड़ी। लकीली बारिश हो गई है, एक दो दिन हल्की फुल्की बारिश होती रही, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से स्प्रिंकलिंग होगी, वाटर स्प्रिंकलिंग, तो वो दवाई जो है उसकी जड़ों तक पहुंच जाती है, पत्तों पर ठहरी रहती है कुछ ना कुछ स्प्रे के बाद। तो अच्छा अच्छा फार्मूला है, ये अडॉप्ट करें आप इसको इंशाल्लाह। तो ये देर पा काम है, वो जो गोडी वाला काम है जो उसको उसको दरांती से काट के जड़ी बूटियों को ख़त्म किया करते थे हम लोग, वो वाला दौर ख़त्म हो गया। अब देखिए ये बड़ी बड़ी जड़ी बूटियाँ ये है ना, अब इनकी बारी, इनको मैंने स्प्रे करना है, स्प्रे के बाद ये ऊपर से जला देगा इसको, फिर इसको नीचे 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 दोपहर दो तरह स्प्रे कर देंगे, जान छूट जाएगी हमारी आइंदा फॉरएवर के लिए। थैंक यू वेरी मच, फिर इंशाल्लाह अगला क्यों प्रोसेस करेंगे, जो प्रोग्रेस होगी फिर इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता करेंगे और मुलाकात होंगी।